हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा आलू और शिमला सब्जियों के साथ। तो जिसमें देखिए, सबसे पहले 1.25 किलो आलू था, इसको मैंने कुकर में उबाली थी। इसको धो करके छील लेना है, इस तरह से काट लेना है। और इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच भुखी मिर्ची पाउडर है, 1 मीडियम छोटा चम्मच ये काली मिर्च जीरा पिसा हुआ है। इधर बघार के लिए 3-4 हरी मिर्ची काटी हूँ, और थोड़ा सा ये देखिए प्याज कटा हुआ है, थोड़ा सा करस किया हुआ लहसुन है, 2 तेज़पत्ता है, इससे बघार में रहेगा। और गैदे में देखिए 5 गैदा ली हूँ, मतलब 3-5 अंडा है, इसको हम अलग टाइप से बनाएंगे, 5 अंडा है। और यहाँ पर 2 टमाटो ली हूँ इसमें ऐड करने के लिए, और 200 ग्राम के अंदाज ये शिमला है, शिमला भी हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। तो यहाँ देखिए, और इधर 1 करी मसाला है, करी मसाले के साथ में आज बनाएंगे। यहाँ पर धूप चढ़ानी, सब्जी गर्म हो गया है, तेल के हिसाब से डालेंगे। और इतना सब्जी है तो कम से कम 100 ग्राम तेल इसमें जाएगा। तेल गर्म होने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी राई ऐड करेंगे, थोड़ा करी पत्ता भी ऐड करेंगे, थोड़ा इसमें करेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए जो मसाला है कटा हुआ बारीक, इसे ऐड कर देंगे, सब पत्ता भी डालेंगे, करी पत्ता है इसको निकाल लेंगे। थोड़ा धो लेना है सबसे पहले, क्योंकि कहाँ कहाँ से माल आता है तो उससे धूल मट्टी भी रहता है, ये ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्का सा नमक, तो अब देखिए ब्राउन कलर का भुनती हो गया। तो यहाँ पर हम आलू में ऐड कर देंगे, आलू को सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। सब्जी अपने हिसाब से काट लीजिए बारीक बारीक। देखिए यहाँ पर शिमला मैंने काट ली हूँ, थोड़ा सा नाइस से लेते हैं। फ्राई करके हो गया, मसाला कुछ देखी आ रही है, इसको हम साइड कर लेंगे, आज इसी में स्टोव में साइड कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम शिमला है, शिमला ऐड कर देंगे। आलू निकाल लेना जरूरी था, क्योंकि ये उबला हुआ आलू है ना, तो उसमें ज़्यादा बारीक हो जाता था, इसके लिए मैंने निकाल ली हूँ। और शिमला में कच्चापन होता है, तो इसको भूनना है, कम से कम आधे मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। और यहाँ पर देखिए टमाटो है, टमाटो में इसी में ऐड कर देंगे, दोनों पकता रहेगा। और जब तक हम दूसरा काम कर लेंगे, इसको ढक्कन डाल के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम अंडा को खोल के मिला लेंगे। और ये पनीर की जगह पर मतलब बना करके हम ऐड करेंगे सालन में, मतलब अब इसको हम अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे। यहाँ पर देखिए शिमला और टमाटर का दोनों अच्छे से बन गए माशाल्लाह। देखिए और नमक आप चाय से चख सकते हैं, लगे तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। यहाँ पर हो गया, अभी यहाँ पर मेरे पास देखिए मसाला है, तो सभी मसाला यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये 1 करी मसाला है, ये पूरा मसाला जाएगा इसमें, ज़्यादा सब्जी है तो। और यहाँ पर देखिए कम से कम 150 ग्राम पानी है, तो मैंने इसको मतलब लहसुन पर रखी थी, लहसुन डालने पानी पानी कर देंगे पकने के लिए। इसको
हम 2 मिनट के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देंगे। तो अभी देखिए अंडा है, उसको हम तल लेंगे। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, उसको 2 बार करके बनाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर पलट लेंगे। चूल्हा कम ज़्यादा करके बना लेना है। तो देखिए अंडे का आमलेट भी बनके तैयार हो गया, तो यहाँ पर हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। 5 अंडे का आमलेट है, अभी इसको पनीर की तरह काटना है बाद में। और यहाँ पर सब्जी देख लेते हैं, थोड़ा सब्जी भी अच्छे से पक गई यहाँ पर। यहाँ पर देखिए मेरे पास सिंगदाने की चटनी है, ये टेस्ट के लिए खाली है, तो आप डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत टेस्टी खाना बन जाता है। और इसके आगे कोई मसाला नहीं जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास आलू फ्राई है, सभी फ्राई को ऐड कर देंगे। अभी अंडे को पनीर के सेट में हम काट लेंगे, चाहे तो चप्पू से भी काट सकते हैं। सब्जी में एक उबाल अच्छी आ गई है, तो यहाँ पर मेरे पास देखिए जो अंडा कटा हुआ है पनीर की तरह, इसको हम ऐड कर देंगे। आप भी कभी इस तरह से बनाइए, खाइए, ट्राई कीजिए, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, हम सब मिलकर सब काम कर सकते हैं। तो माशाल्लाह खुशबू भी अच्छी आ रही है। एक उबाल हम और उबालेंगे, उसके बाद ये तैयार हो। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पर हम सिलान बंद कर देंगे, थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए आज धनिया नहीं है, तो आज इसे ही सजाएंगे। अब मेरे पास करी पत्ता, आज करी पत्ते से सजा लेंगे थोड़े को। तो आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप भी बनाइए, खाइए, खुश रहिए।